अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। ये जो है गलत जगह पर रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको उठा के इसकी जगह पर रखूँ। काम करी थी सुबह से शाम हो चुकी है जनाब, और मैं कर रही हूँ क्लोजिंग। ये है जनाब मेरी कॉफ़ी की एक बोतल, ये रही मेरी कॉफ़ी की दूसरी बोतल, और साइड से ये मेरे लोशन का ढक्कन टूट गया, और इस ढक्कन को ऐसे ही ऊपर चिपका देती हूँ, लगा देती हूँ, ताकि बाद में फिर कभी मैं यूज़ करना चाहूँगा तो ये मेरे काम आ जाए। जनाब ये मेरा हैंड सैनिटाइजर, इसको भी कर देते हैं साइड पे, और ये मेरा पेन है, वैसे ही मुझे भी ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मैंने कोई काम बाकी है। मैंने वैसे तो स्टेप नहीं यहाँ रख दिया था, लेकिन अभी स्टेप से भी मेरा काम बाकी है। जनाब मेरा नकाब हो रहा था ढीला, मैंने सोचा इसको कर लूँ सेट, तो कर दिया मैंने इसको सेट, जो कि हो गया था सेट। ओके ओके जी, ये भी। तो जनाब कैसे हैं आप सब, और किस किस ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया और किस किस ने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, तो दोस्तों जनाब कर लो सब्सक्राइब, बड़ी मेहरबानी होगी तो हड़ी। और ये मेरी स्क्रीन पे कुछ लगा हुआ है या नहीं, ये मैं चेक कर रही हूँ। तो ये मेरी स्क्रीन पे ही कुछ लगा हुआ था जिसे मैंने खुरच खुरच के उतारा है, और मेरी स्क्रीन पे क्या लग सकता है जिसे खुरच के उतारने की जरूरत पेश आ जाएगी? अच्छा चले, कोई बात नहीं, किसी वजह से कुछ लग गया है अगर तो उसे खुरच के उतार देते हैं हम। एक्चुअली ये उस दिन टूटा था टोनर, तो शायद उसकी इंक उड़ के इस पर पड़ी है, और लेकिन इतनी नहीं पड़नी चाहिए थी कि वो चिपक के जाती है, साफ भी हुआ है बाद में शायद। चलें जनाब क्या कर सकते हैं, छोटे मोटे 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 से कई लोग प्रॉब्लम्स होते ही रहते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी का हिस्सा है, इनके बगैर नहीं जा सकता। ये मेरी सीज़र है, मैंने पार्सल इस पार्सल खोलने के लिए मैंने सीज़र को यूज़ किया था, अब इसको कपड़े वापस रख देती हूँ क्योंकि मैं हूँ बहुत ही निकम्मी बची, जो चीज़ जहाँ से उठा लूँ उसको वहाँ पर वापस रखने में मुझे मौत पड़ती है, तो पूरा दिन चीज़ें बिखरी रहती हैं, फिर शाम को चलते हुए मुझे ख्याल आता है कैसे, चलो कोई बात नहीं, चीज़ों को उनके सीजे कपड़े रख ही देते हैं। और ये मेरा फ़ोन है, सुबह से किसी ने मुझे फ़ोन करने की ज़हमत नहीं की, मतलब मैं इतनी फालतू। चले जरा आप ये किसी का बड़ा स्लो ट्रेस हो गया, मतलब अजीब लोग हैं यार, सेल को भेज दूँ यार, पहले इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ भेजनी चाहिए थी कि मुझे उसे रिटर्न ना करना पड़ता। चले मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मैंने कितना पार्सल मंगवाया था, उनके काम इसका अच्छा है, काम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये है कोई इसका काम, काम बहुत प्यारा हुआ है इस पर और बहुत नफासत से हुआ हुआ है, शायद ये मशीनी काम है, हाथ का काम नहीं है। और हाँ जी बिल्कुल जनाब, ये काम हुआ है मशीन से, ये हाथ से नहीं हुआ हुआ। और असल में हुआ ये कि मैंने ये 2 सूट मंगाए थे, और एक तो चले जो स्टफ था वो वैसा स्टफ नहीं था, मतलब मैंने जो कोई 2 साल पहले एक सूट लिया था तो बहुत इकोनॉमिकल था, वो मुझे कोई 2200 का वो सूट मिला था, तो वैसा ही एक सूट मुझे कहीं नज़र आया और किसी को मेरा वो सूट पसंद था, तो मैंने सोचा कि चले उनके लिए मंगा देती हूँ। तो क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा था कि उस वो सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है, जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे यही कहती हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा चले जनाब। अब मुझे बाजार में नज़र नहीं आया, मुझे ऑनलाइन स्टोर पर नज़र आ गया, तो मैंने सोचा कि चले इसको परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टोर से मैं पहली दफ़ा कुछ मंगवाने जा रही थी या पहली दफ़ा कुछ मैंने मंगवाया, मैं बहुत सारे कपड़े यहाँ से मंगवा चुकी हूँ ऑनलाइन, और मुझे उनकी क्वालिटी ठीक होती है, मतलब मैं ये नहीं कहती कि हर दफ़े उनकी क्वालिटी ख़राब होती है। इस दुपट्टे का फैब्रिक फिर ठीक है, बट ये जो लॉन है ना, वो साहब अपने वॉइस नोट में कह रहे हैं कि जी लॉन है तो अच्छी नहीं लग रही, लेकिन लॉन की भी किस्में होती है, ये बहुत ही रफ वाली लॉन है, बहुत शदीद रफ वाली लॉन है। हम तो
शायद मुल्तान में चलती होगी ये जनाब, यहाँ तो ये वाली फोन नहीं चलती, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब मैं इसको लेके जाऊँगी घर, घर वालों को दिखाऊंगी, अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है ये सूट हम रख लेते हैं जिसके लिए मैंने मंगाया था उसके लिए कुछ और ले लेते हैं तो ओके होगा, अदरवाइज मजबूरी है मैं वापस भी करूँगी, फिर 600 का मुझे पड़ जाएगा खर्चा जो इसको यहाँ से भेजने के, फिर 300 वहाँ से आने के, क्योंकि मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मैं 600 का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं पहली कोशिश तो यही करूँगी कि मेरे घर वालों को मेरे से पसंद आ जाए उन्हें चुपका दूँ, लेकिन हकीकतन मतलब ये इतनी लो क्वालिटी की इसकी लोन है कि मतलब ये गर्मियों में पहनने में बहुत ही रफ लगेगी। हाँ एक दो दफ़ा पहनी जा सकती है कि एक दो दफ़ा पहनेंगे तो बस पूरा हो जाएगा, लेकिन एक दो दफ़ा में मेरा ख्याल है कि इसके पैसे पूरे नहीं होते जितने पैसे मैंने चार्ज किए हैं। तो ये उससे मतलब ये कहने के अगर मैंने पहले कभी इसको जिस सूट की मैं बात करी हूँ वो मैंने 2200 का लिया था, तो अभी मुझे अगर 3000 में पड़ा है तो ये यू ना बेशक महंगाई होगी लेकिन इतनी भी नहीं होगी कि जनाब आप 2000 वाली चीज़ जो है वो 3000 में बेचो और फिर वो उससे भी इंतहाई शदीद लो क्वालिटी की हो, तो ये बात ज़रा हज़म नहीं हो रही, मुझे तो बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। दूसरा सूट जनाब मैंने, क्योंकि जिनके लिए मंगवाया था वो सूट मैंने उनको भेजे थे, उन्होंने ये सूट भी उनको भेजा था कि देख लें कि इनमें से अगर किसी की क्वालिटी आपको लग रही है कि रखी जा सकती है तो चले फोर, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि वो चाहत एक पूरी हो जाएगी कि मतलब मैं पहनना चाह रहा था ये चीज़ अब मैंने पहन ली, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, आपने एक दफ़ा पहना फेंक देना तो फिर तो ओके, लेकिन अगर आपने पैसे पूरे करने हैं तो पैसे पूरे करने के हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी सेहत इतनी है मैं बोल 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 के थक जाती हूँ, तो जनाब बोल बोल के मैं दिल में था और बीच में लिया मैंने सांस और फिर देखते हैं कि होता है क्या। अच्छा जनाब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं क्योंकि इस वक्त शाम हो चुकी है और शाम मीन्स रात हो चुकी है, वाइंड अप कर रहे हैं अपनी चीज़ों को और यार ये गड़बड़ हो गई कि मैंने एक पेमेंट की थी और जिस बंदे को थ्रू मैंने ये पेमेंट कराई मैंने उसे क्लियर आवाज़ में बताया था, मतलब बहुत क्लियरली मैंने 3 दफ़ा बताया था कि भाई इस चेक को कैश करा कर फिर ये पेमेंट करनी है, तो फिर उन्होंने क्यों वो चेक एज इट इज डिपॉजिट करा दिया और वो लेट सर चार्जेस बढ़ गया। मेरी मुझ गरीब आवाम की ना शामत आ जाती है। फ्राइडे को अगर करवाया गया है तो यार ये तो बहुत ही लेट कहीं जाके वो हुआ, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे 4 दिन लगा दिए इन्होंने क्लियरेंस में, जानबूझ फिर तो इन्होंने जानबूझ के लेट किया ना, फिर तो इन्होंने जानबूझ के लेट किया ताकि हमने सब चार्जेस डाल सके, वरना तो बैंक 4 दिन नहीं लेता, इन्होंने किस खुशी में 4 दिन ले लिया। बस जनाब एक मैं गरीब दुखियारी दुखों की मारी परेशान हाल हर परेशानी में मुबतला हो जाती, छोटी 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 बातों में परेशान हो जाती हूँ क्योंकि बड़ी बातें भी बहुत सारी हैं परेशान होने के लिए, लेकिन मैं छोटी बातों से निकलूंगी तो बड़ी बात तक पहुंचूंगी ना। हाँ। तो जनाब मैंने कल जो शायरी पे एक ब्लॉग बनाया था उसे मैं अभी तक अपलोड नहीं कर सकी, तो होपफुली मैं इस ब्लॉग से पहले उसे अपलोड करूंगी, वरना मेरा कोई पता नहीं लगता, हो सकता है मैं पहले ये वाला ब्लॉग अपलोड कर लूँ और फिर मैं बाद में वो वाला अपलोड करूँ। तो जो भी हो तो जनाब बने रहिएगा, देखते रहिएगा, कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ले मुझे, मतलब मुश्किल थोड़ा मुश्किल होगा, यूँ होंगे लेकिन कोई बात नहीं, हाथों को मना के उन्हें सब्सक्राइब बटन तक ले जाइएगा, लाइक बटन तक ले जाइएगा ताकि वो लाइक भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर शेयर कर दे तो क्या ही बात है जनाब, फिर तो मतलब फिर तो ना ही पूछे ना, फिर तो आपके लिए किस तो होगी इस्लामी बनती है अगर आप ये तीनों काम कर लें तो। हाँ जनाब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, एक छोटे से काम के लिए जा रही हूँ, उस काम को करने के बाद मैं वापस आऊँगी, फिर मजीद कुछ थोड़ी सी बकवास करूँगी और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी। ओके ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक, ओके बाय बाय। तो जो मैंने छोटा सा काम कहा था वो छोटा सा काम मैं करने गई तो मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पे गई हूँ, क्योंकि हमारा जो कुक है वो जनाब चूल्हे पे रखा हुआ था सालन उसने, जो लोग यहाँ ऑफिस में स्टे करते हैं उनके लिए, और जनाब वो बेचारा आँच हल्की करना भूल गया और सालन आधे से ज़्यादा जल गया, बड़ा मज़ा आएगा। तो उस बेचारे को हेल्प करा रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक अतन नारी यहाँ पर अगर मौजूद ही है तो कोई बात नहीं,
किसी की हेल्प कर दें, आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल कोई हमारी मदद कर देगा। तो जनाब अब हो चुके हैं शाम के 7 और मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ क्लोज, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट। और कोई नहीं, लेट भी इंसान ही हुआ करते हैं जनाब। आज अच्छा, हम पाकिस्तानियों की जो सबसे बड़ी बात है, ज़रा सी कोई चीज़ ख़राब हो जाए हम कहते हैं उसे नज़र लग गई है। हमारे कुक का फरमान है कि वो, क्योंकि जब सालन पका रहा था तो किसी ने उसको कहा एम्प्लॉयज़ में से कि जनाब आज तो खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो पूछा गया क्या बना रहे हैं, उसने कहा जी मैं मिक्स वेजिटेबल बना रहा हूँ। तो कहते हैं जी आज तो लगता है कोई बहुत ही अलग किस्म की सब्ज़ी खाने को मिलेगी। अब क्योंकि उसकी सब्ज़ी जल गई है तो वो कह रहे हैं ये कहने वाले बंदे ने मुझे नज़र लगा दी है। ये वैसे पाकिस्तानियों का ठीक है, कोई चीज़ ख़राब हो जी नज़र लग गई है, मतलब कोई चीज़ अच्छी हो जाए उस पर नज़र नहीं लगती, ख़राब हो गई तो वो नज़र लगने से ख़राब हो गई है। सही जा रहे हैं, सब सेट है, सब सेट है, सब सेट है। जनाब अपने सिस्टम की ब्राउजिंग हिस्ट्री भी मैंने कर दी है क्लियर, ताकि कोई अगर मेरे बाल आकर सिस्टम पे बैठे, वैसे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सिस्टम को यूज़ करे, लेकिन फिर भी अगर कोई आकर बैठना चाहे लाइक बॉसेस में से कभी कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो मेरा सिस्टम ज़रूर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के अलावा उनका ख्याल है कि बाकी जो सिस्टम है बहुत थकड़ है। तो थकड़ी ना सेंस के मतलब उनके मतलब की चीज़ें उन्हें मेरे सिस्टम से मिल जाती हैं, क्योंकि फाइलिंग वगैरह सारी मैं करती हूँ, लेटर्स वगैरह सब मेरे पास होते हैं, तो इस वजह से उन्हें वो आसानी यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए किसी और सिस्टम पे नहीं जाते, यहीं से ढूंढ लेते हैं चीज़ों को। और जनाब तो मैंने इसलिए ब्राउजिंग हिस्ट्री कर दी क्लियर, ताकि वो ये ना देखें कि मैडम जो है हमारे सारा दिन बैठी कंप्यूटर पे क्या करती रहती हैं, क्योंकि उनकी उनकी नज़र में तो मैं काम करती हूँ, उनको फिर नहीं पता कि मैं यहाँ बैठ के वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर उन्हें एडिट करती हूँ, फिर उन्हें चैनल पर लगा देती हूँ। तो जनाब इस वक्त हो रही है ईशा की अजान, मैं अपने हाथ से लगा रही हूँ लोशन ताकि थोड़े से हो जाए नरम, मेरे हाथ बहुत ख़राब है, मर्दाना हाथ है मेरे, सबका कहना ये है कि मेरे हाथ जो है वो मर्दाना है, बिल्कुल लड़कियों वाली नज़ाकत नहीं है मेरे हाथों में, देखने में हो सकता है कितने बुरे ना लगते हों, लेकिन जो भी मुझसे कोई हैंडशेक करता है वो मुझे यही कहता है कि जनाब तुम्हारे हाथ बहुत ही रफ हैं। जनाब कोई बार बार आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। मैंने खाना था माल्टा जिसकी वजह से मैं नीचे गई थी, और मैं नीचे मतलब कुक की हेल्प हेल्प करा करूँ के वापस आ गई। और जी जनाब बहुत ही मुश्किल से मैंने वीडियो बना रखी थी स्टार्ट, फिर एक बीच में आ गया था बंदा, उसे मुझसे था कोई काम और फिर वो चला गया, अभी तक फिर दोबारा नहीं आया। मैंने दोबारा वीडियो बनाना शुरू किया, वो दोबारा आ जाएगा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं आपको यहीं पर अल्लाह हाफिज़ कह दूँ, ताकि फिर अगर वो आ जाए और मैं कॉल बंद कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कब? ठीक है, नाम बताइएगा। जी ठीक है जी। उम्र बता दे अपनी। ठीक है जी। आप खैर मैं आपसे छोटी हूँ जो मर्जी कह ले, तो मैं वैसे तो आपसे छोटी हूँ, जो आपने अपनी एज बताई है उससे मैं छोटी हूँ काफी, तो वो आप कह सकते जी जी बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं, उससे मुझे कोई एतराज नहीं, वाला आंटी नहीं हूँ।
जी जी ठीक है जी 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 अच्छा ठीक है, मुझे बताइएगा ये सेकंड मैरिज है आपकी, मतलब फर्स्ट वाइफ आपकी अवेलेबल? तो जनाब ये जो मेरी कॉल आती थी ये तकरीबन चली है कोई 17 मिनट और 48 सेकंड, और 17 मिनट और 48 सेकंड के इस कॉल के बाद अब मैं अपना ये व्लॉग भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई आ चुका है, वो बहुत देर से बेचारा मेरे लिए वेट कर रहा है, और कभी एक आ रहा था, कभी दूसरा आ रहा था, कभी दूसरा आ रहा था। मुझे आज तक ये समझ नहीं कि जिस वक्त मेरे जाने का वक्त होता है उस वक्त सबको सब काम क्यों याद आ जाते हैं, मतलब क्या है ये, क्या है। अच्छा चलिए जनाब, ज़्यादा बातें नहीं करती मैं, बस अब आपसे सबसे इजाज़त चाहूँगी और फिर कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर 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 कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।